गुड मॉर्निंग एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम भूगोल के प्रश्न इसमें करेंगे। तो आप लोग इसे देखें कि इसमें किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। तो आप लोग इसे धैर्यपूर्वक धैर्य बनाकर देखते रहें, ये आप लोगों की आगामी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर साबित होगा। तो आप लोग इसे देखें और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्या है, सौरमंडल आकाशीय पिंडों का एक समुच्चय है। ठीक है, क्या है, सौरमंडल जो है एक आकाशीय पिंडों का समुच्चय है जिसके केंद्र में सूर्य स्थित है तथा सूर्य के अतिरिक्त आठ उपग्रह, ठीक है, आठ उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ और प्लाज्मा आदि सम्मिलित इसमें हैं। किसमें हैं, तो ये जो सौरमंडल हमारा है, क्या है, सौरमंडल के आकाशीय पिंडों का एक समुच्चय है जिसके केंद्र में सूर्य स्थित है, सूर्य के अतिरिक्त आठ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्काएं, प्लाज्मा आदि इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, 13 लाख गुना बड़ा है, कौन, सूर्य। सूर्य जो है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है जो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसकी बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, पृथ्वी का सूर्य ताप का 2/4 भाग मिलता है। ठीक है, पृथ्वी का जो तापमान होता है उसका 2/4 भाग ये है। ठीक है, तो किसका है, सूर्य का। ओके, अगला देख लेते हैं। अगले है, सूर्य के संगठन में 71% हाइड्रोजन। ठीक है, जो सूर्य का संगठन है, ठीक है, उसका जो संगठन हुआ है वो 71% इसमें ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन पाई जाती है और 26.5% हीलियम तथा 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। किसमें, तो सूर्य के संगठन में। ठीक है, सूर्य जो इससे मिलकर बना हुआ है इसमें 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम तथा 2.5% इसमें अन्य तत्व मिल जाते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है सूर्य क्या है, सूर्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रह अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है इसके कारण ग्रह व अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, क्या है, तो सभी जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ओके, अगला है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, क्या है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी का जो सबसे निकटतम दूसरा तारा है वो कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी ये जो है ये पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा हो जाता है। अगला है, इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए 45 वर्ष लगते हैं। ठीक है, आने में इसके प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए 45 वर्ष लगते हैं। अगला है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का वो एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो ये है चंद्रमा हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 384,365 किलोमीटर है। कितनी है, 384,365 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है जिसके कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव मिलता है। ठीक है, क्या है, अगर आप यहाँ पर कि पृथ्वी पर 60 किलो के हैं, ठीक है, अगर पृथ्वी पर आप 60 किलो के हैं तो चंद्रमा पर 6 किलो के रह जाएंगे। ठीक है, कितने रह जाएंगे, आपने सुना है, अगर आप पृथ्वी पर 60 किलो के हैं तो आप चंद्रमा पर 10 किलो के रह जाएंगे। ठीक है, क्या, 1/6। ओके, 1/6 कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, 1/6, तो अगर 60 किलो के आप हैं तो आप जब ऊपर जाएंगे चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर वहाँ आप 10 किलो के रह जाएंगे। ठीक है, 10 किलो के आप रह जाएंगे वहाँ। अगला है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा में दिखने वाला चमकीला भाग ये क्या है, पर्वत है। क्या है, चंद्रमा में जो चमकीला भाग दिखता है
वो क्या है, एक पर्वत है। और जो ये चंद्रमा है ये पृथ्वी का, पृथ्वी के जो 1/4 आकार का है, ठीक है, 1/4 पृथ्वी के आकार का है ये, ठीक है। अगला देख लेते हैं, चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत क्या है, चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत जो है वो क्या है, लिबनिट्स पर्वत है। कौन सा है, चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत जो है वो लिबनिट्स पर्वत है। इसकी ऊंचाई 10,660 फीट मानी जाती है, क्या है, जिसकी ऊंचाई 10,660 फीट है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में क्या है, 1.25 सेकेंड लगते हैं, कितने, तो 1.25 सेकेंड लगते हैं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। अगला है, चंद्रमा का मात्र 59% ठीक है, सॉरी, चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखता है, कितना दिखता है, 59% भाग ही पृथ्वी से दिखता है, किसका, चंद्रमा का। ओके, अगला देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना हुआ है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो जो तारों की परिक्रमा करने वाले क्या है, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड ये ग्रह कहलाते हैं, तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जो ये ग्रह हैं वो किससे प्रकाशित होते हैं, तो ये जो तारों की जो ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, इससे ही ये तारे प्रकाश, ये जो ग्रह हैं ये प्रकाशित होते हैं, ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ओके, फिर क्या है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकार के आकाशीय पिंड या उपग्रह होते हैं, ठीक है, तो ग्रहों की भी कोई परिक्रमा करता है, कौन करता है, तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले जो तारे होते हैं, जो पिंड होते हैं वो क्या होते हैं, तो आकाशीय पिंड होते हैं और उपग्रह होते हैं, ठीक है, वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वे आकाशीय कण जो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण से जल उठते हैं तथा पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही जल कर राख हो जाते हैं, उन्हें उल्का कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, तो उन्हें उल्का कहते हैं। वे आकाशीय कण जो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने से घर्षण से जल उठते हैं तथा पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही जल कर राख हो जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, वे उल्का कहलाते हैं, ठीक है, उन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं, अगला हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट, तो अगला पॉइंट हमारा है, बृहस्पति तथा मंगल ग्रह की कक्षा के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्या है, बृहस्पति तथा मंगल ग्रह की कक्षा के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगला है, वे विशाल आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होती है, वे क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कि वे विशाल आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा होती है वे तारे कहलाते हैं। उपग्रह में ये आप क्या खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगला देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्या है, 27/1/3 दिन में पूरा करता है, क्या करता है, 27/1/3 दिनों में पूरा करता है, कौन, तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27/1/3 क्या है, दिनों में पूरा करता है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं, क्या है, जो तारों का समूह होता है उसे मंदाकिनी कहते हैं। सौर मंडल में करोड़ों मंदाकिनियां हैं, क्या है, सौर मंडल में करोड़ों मंदाकिनियां हो जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा हो जाता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्या है, तो ग्रहों को भी दो भागों में बांटा गया है, कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य, ठीक है, तो देख लेते हैं, तो इसमें जो आंतरिक ग्रह हैं वो कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, तो क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इनका निर्माण सघन पदार्थ से हुआ है, ठीक है, सघन पदार्थ से हुआ है। ओके, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को वाह्य ग्रह कहते हैं, क्या है, वाह्य ग्रह कहते हैं। ये गैस क्या है, ग्रह गैसीय हैं, ठीक है, इसमें गैस की अधिकता पाई जाती है, किसमें, तो बृहस्पति शनि अरुण वरुण को क्या है, वाह्य ग्रह कहते हैं, ये गैसीय ग्रह कहलाते हैं। अगला है, सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह बुध है, कौन है,
तो सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह बुध है। इसकी परिक्रमण ठीक है, इसकी परिक्रमण की गति सबसे अधिक तथा घूर्णन की गति सबसे, घूर्णन की गति सभी ग्रहों में ग्रहों से कम है। इसका ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किसका तो क्या है, सर्वाधिक निकट सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो ये बुध ग्रह है। इसकी परिक्रमा की गति सबसे अधिक तथा घूर्णन की गति सभी ग्रहों से कम है और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूर्य का शुक्र पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। इस ग्रह का आकार सबसे द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है। इस कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह को प्यार की सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। इस ग्रह में वायुमंडल में 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यहाँ दिन व रात का तापमान बराबर होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। किसका, शुक्र का। ओके, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कौन सा, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव एवं घूर्णन क्या है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव एवं घूर्णन की गति पृथ्वी के लगभग समान है, जिस कारण मंगल ग्रह पर पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती ऋतुएं पाई जाती हैं। किस पे, तो मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हो जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है, बृहस्पति है, जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 130 गुना है, क्या 1300 गुना है। क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन का 1300 गुना है। यह ग्रह मुख्यतः गैस द्रव से मिलकर बना हुआ है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। सभी ग्रहों में इस ग्रह का घूर्णन की गति सर्वाधिक तीव्र है। इस ग्रह के 16 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है। ठीक है, तो गैनीमीड जो है, ये उपग्रह कहाँ पाया जाता है, तो ये क्या है, तो ये किसका उपग्रह है, तो ये बृहस्पति का उपग्रह हो जाता है, गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड उपग्रह है, ये बृहस्पति का उपग्रह हो जाता है। अगला देख लेते हैं, शनि ग्रह पर 7 छल्ले पाए जाते हैं। क्या है, तो शनि ग्रह पर 7 छल्ले पाए जाते हैं, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। किसने की थी, गैलीलियो ने की थी। ज्ञात उपग्रह की संख्या, ठीक है, शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक है, तो शनि के उपग्रह कितने हैं, तो शनि के उपग्रह हो जाते हैं कितने, 22। ठीक है, तो शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाती है, तो शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 22 हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो ये शनि के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 22 हो जाती है। ओके, अगला देख लेते हैं, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। ठीक है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाता है। टाइटन सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। किसका है, तो देखो एक नई जानकारी मिली है, टाइटन सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। किसका है, तो टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिसका अपना खुद का वायुमंडल है। अगला देख लेते हैं, अरुण एक शीत ग्रह है। क्या है, अरुण एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है, तो अरुण एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है। यह ग्रह अपने अक्ष के तल के साथ मात्र 8 डिग्री झुका हुआ है, इस प्रकार यह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो इस ग्रह का जो अरुण ग्रह है, इसका प्रकाश होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। देख लेते हैं अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या है, वरुण। तो वरुण के बारे में देखते हैं, वरुण क्या कह रहा है, तो वरुण एवं अरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह भी या ट्विन प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के आकार
में समानता पाई जाती है। मीथेन की अधिकता के कारण दोनों ग्रहों का प्रकाश हरा प्रतीत होता है। किसका? तो अरुण और वरुण का, दोनों में मीथेन की अधिकता होने के कारण इनका जो है, इनका जो प्रकाश है वो हरा प्रतीत होता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के अलावा जैव मंडल भी पाया जाता है। किस पे? तो पृथ्वी पर। रेडियो एक्टिव डेटिंग के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष ज्ञात की गई है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग रेडियो एक्टिव के द्वारा, ठीक है, रेडियो एक्टिव डेटिंग के आधार पर पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष घोषित की गई है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,757 किलोमीटर है। कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ये हो जाता है 12,757 तथा ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। कितना है? 12,714 किलोमीटर हो जाता है। तो देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करती है। इसके परिभ्रमण की अवधि 365 सही 1/4 दिन होती है। ठीक है, तो 365 दिन क्या है? 365 सही 1/3 दिन होती है। ओके, 1/4 दिन होती है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और वर्ष में 366 दिन होते हैं। जब लीप वर्ष होता है तो उसमें फरवरी 29 दिन की होती है और वर्ष में 366 दिन मिलते हैं। अगला है, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट और 4 जुलाई को सर्वाधिक दूर होती है। तो क्या है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। अगला पॉइंट है, तो अगला पॉइंट हमारा हो जाता है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति एवं अक्षीय झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन तथा वर्ष में विभिन्न अवधियों के दिन एवं रात की लंबाई में अंतर होता है। ओके, तो क्या होता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति एवं अक्षीय झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन तथा वर्ष में विभिन्न अवधियों में दिन एवं रात की लंबाई में अंतर होता है। अगला हो जाएगा, एक लट्टू की तरह घूर्णन करती हुई पृथ्वी में कोणीय गति भी होती है। इस कोणीय गति के एक चक्र को पूरा करने के लिए लगभग 26,000 वर्ष लगते हैं। क्या है? एक लट्टू की तरह घूर्णन करती हुई पृथ्वी एक कोणीय गति भी होती है। इस कोणीय गति के एक चक्र को पूरा करने में लगभग 26,000 वर्ष लगते हैं। ओके, फिर क्या है अगला पॉइंट, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल, क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष तल के साथ 66 सही 1/2 डिग्री कोण बनाती है। क्या है? पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष तल के साथ 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की लंबाई घटती है। क्या है? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, अतः उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की लंबाई घटती है। 22 दिसंबर फिर अगला पॉइंट हमारा है, तो अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। क्या है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे मकर रेखा या मकर संक्रांति कहा जाता है। 21 जून एवं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन सर्वाधिक लंबा एवं रातें सर्वाधिक छोटी होती हैं। कब होती हैं? तो 21 जून एवं 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में दिन सर्वाधिक लंबा एवं रातें सर्वाधिक छोटी होती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, अतः इस दिन विश्व के विभिन्न भागों में दिन एवं रात की अवधि समान होती है। कब से कब तक? तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, इस दिन विश्व के विभिन्न भागों में दिन एवं रात की अवधि समान हो जाती है। अगला है,
अगला पॉइंट है, जब तक ही महीने में दो बार पूर्णिमा होती है इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। जब तक ही महीने में दो बार पूर्णिमा होती है इस घटना को ब्लू मून कहा जाता है। यह 1999 में जर्मनी एवं क्या है जनवरी एवं मार्च में ब्लू मून की घटना घटी थी। ठीक है, तो ये 1999 में जनवरी एवं मार्च में ब्लू मून की घटना घटी थी। ओके, फिर है अगला पॉइंट हमारा हो जाता है, किन्हीं भी दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी बृहत वृत्त का चाप होता है जिसके कारण जलयान वायुयान उपग्रह बृहत वृत्त मार्ग का अनुसरण करते हैं। किसके कारण? तो दो स्थानों के बीच के न्यूनतम दूरी बृहत वृत्त का चाप होती है जिसके कारण जलयान वायुयान एवं उपग्रह बृहत वृत्त का मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का औसतन घनत्व 5.5 है। भूपटल की चट्टानों का औसत घनत्व 2.7 है। ठीक है, घनत्व 2.7 है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है 5.5 और भूपटल की चट्टानों का औसत है 2.7। अगला देख लेते हैं, तो अगला हमारा पॉइंट क्या है, भूपटल में भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर आने जाने पर तापमान में प्रति 20 मीटर पर 1 डिग्री की दर की वृद्धि होती है। क्या है? तो भूपटल में से भूगर्भ के आंतरिक भाग की ओर जाने पर तापमान में प्रति 32 मीटर पर 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आप लोग हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।